नमस्कार, मैं हूं निशी दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। चलिए दिखाते हैं आपको अभी तक की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकियों ने शनिवार सुबह 5 बजे हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए व अफसर की बेटी समेत 6 लोग जख्मी हो गए। कैंप में 3 आतंकियों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम मोदी पहुंचे फिलिस्तीन, राष्ट्रपति महमूद अब्बास से करेंगे मुलाकात व फिलिस्तीन लोगों के प्रति भारत के समर्थन को दोहराएंगे। बुर्ज खलीफा के साथ यूएई का दुबई फ्रेम भी तिरंगे के रंग में रंगा। अबू धाबी में मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे व बने पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी आज बेल्लारी पहुंचे। राहुल गांधी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यहां राहुल गांधी बोले, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ मोदी, जो सच बोले उस पर यकीन करो। राइटर रिपु दमन ने अक्षय कुमार के खिलाफ पैडमैन की कहानी चुराने के आरोप में FIR दर्ज कराई। रिपु ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा, मैंने दिसंबर 2016 को अपनी स्क्रिप्ट रजिस्टर कराई थी, लेकिन 10 दिन बाद ट्विंकल खन्ना ने अरुणाचलम के ऊपर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।